हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का लास्ट चैप्टर और पोयम आंट जेनिफर स्टाइगर, जिसके पोएट एंड्रियन रिच हैं। इस पोयम में पोएट एंड्रियन रिच ने एक वुमेन के सप्रेस्ड फीलिंग्स को व्यक्त किया है जो उसकी कला के थ्रू व्यक्त करती हैं। आंट जेनिफर एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान समाज की विक्टिम हैं, शिकार हैं। उसके पास मानसिक और शारीरिक दर्द को बताने के लिए कोई नहीं है। वह अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पिक्चर बनाती रहती हैं। आज के इस पिक्चर में पोएट ने टाइगर को डिस्क्राइब किया है, जो कि आंट जेनिफर ने पैनल पर प्रोड्यूस किया है, जो इस प्रकार बने हुए हैं कि वे मोशन में प्रतीत होते हैं, यानी कि गति में प्रतीत होते हैं। वे सामने के पैरों को ऊपर उठाकर और पीछे के पैरों पर कूदते हुए जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। हरे हरे जंगल में वे बिल्कुल स्वतंत्र, ब्राइट, बहादुर, निडर और शानदार प्रतीत होते हैं। वे जंगल में पेड़ के नीचे बैठे आदमियों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। वे अपने गोल के तरफ, लक्ष्य के तरफ साहसपूर्वक तथा स्मूथली बिना डगमगाए आगे बढ़ते रहते हैं। आंट जेनिफर को आइवरी निडल यानी कि हाथी के दांतों से बने हुए सुई का उपयोग करके पिक्चर बनाना मुश्किल हो रही है, तथा शादी की अंगूठी जिसने उसे उसके पति के साथ बांध रखा है वह उसके हाथ पर भारी पड़ रही है। वह अभी भी स्वयं को उस भार के नीचे बंधी हुई अनुभव करती हैं और उसके हाथ डरे हुए हैं। वह इस डर से तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कि वह मर न जाती है। जब वह मर जाएगी तो उस समय भी उसके डरे हुए हाथ उसके दुखी जीवन की सारी कहानी कहेंगे। मुसीबतें तथा कष्ट उसके विवाहित जीवन के पार्ट्स थे। इन्होंने उसे कुचल दिया, वह इनके चंगुल में फंसी थी, लेकिन पैनल पर जो उसने शेर बनाए हैं वे गर्व भाव से और निडर होकर छलांग लगाते रहेंगे। दोस्तों, ये था आपका पोयम आंट जेनिफर स्टाइगर्स का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।